So the first topic is internal reconstruction. Now dear students, याद रखना कि ये जो reconstruction होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं. एक को हम बोलते हैं external reconstruction और एक को हम बोलते हैं internal reconstruction. Now what is external reconstruction? External reconstruction मतलब कि amalgamation version. Okay? Internal reconstruction मतलब कि the company remains the same but there is some adjustment in the balance sheet. There is cleansing of balance sheet. तो external reconstruction में क्या होता है? कि balance sheet of company A and B gets merged, but internal reconstruction में the same company stays. अब होता ये है everyone कि जब companies with improper balance sheet go to banks or they go to financial institution to take loan or for investment, या shareholders के पास जाते हैं, तो यार bank shareholder इनको पता है क्या होता है? That dear company, what is wrong with you? आपकी जो balance sheet में asset sides पे, we can see plant and machinery, we can see furniture and fittings, we can see computers, we can see land and building. So that is very good, okay? So land and building 100 की, plant and machinery 30 की, furniture 20 का, computer 40 के. So this is very good, the amount are in crores. But what nonsense is this? P&L debit balance, miscellaneous expenses, preliminary expenses. तो आपको समझ में आ रहा है ये कंपनी ने क्या किया है? ये कंपनी ने बहुत सारे fictitious assets रिकॉर्ड करके रखे हैं. Can you see this? बोलो fictitious assets क्या होते हैं? Fictitious assets are expenses wrongly recorded as assets. It is not allowed in today's world, but still companies क्या करती है? P&L account debit, miscellaneous expenses, preliminary expenses को asset record कर देती है. इसके अलावा आपके पास goodwill, patent, copyright भी हो सकते हैं. Goodwill, patents, copyrights. गुडविल वो वाला गुडविल होता है जो कंपनी कुछ वैल्यू नहीं है, ब्रांड नेम का वैल्यू नहीं है. पेटेंट्स वो वाले होते हैं नोकिया फोन के. नोकिया फोन कौन खरीदता है आजकल? कोई भी नहीं खरीदता. आपको समझ में आ रहा है बेटा? सो द प्रॉब्लम इज दैट देयर बैलेंस शीट एसेट साइड कंटेन्स अननेसेसरी एसेट्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली एसेट, दे आर एक्सपेंसेस. एक केस से दो निशान है. उन्होंने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस को पी एंड एल अकाउंट पे डाल दिया. इनकम से कम करना चाहिए तो आपका इनकम कम हो जाएगा, बट इन्होंने एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करके एसेट रिकॉर्ड कर दिया है. तो प्रॉफिट भी बढ़ गया एक हाथ में और दूसरे हाथ में आपके कुछ एसेट्स भी रिकॉर्ड हो गए. दिस इज ओके. तो बैंक आपको क्या बोलता है, यू मस्ट क्लीन योर बैलेंस शीट इज इम्प्रॉपर, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू. दिस इज ओके. तो ये केस में अभी हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? अभी हमें बैलेंस शीट क्लेंजिंग करनी पड़ेगी. अभी क्लेंजिंग कैसे होता है देखो, लायबिलिटीज तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ होते हैं. तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लूंगा 100, ये ले लेता हूँ 20, ये ले लेता हूँ 30. ओके, ये मैंने ले लिए लेट अस से अगेन 100 और ये मैंने ले लिए 40. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो. अब मुझे एक बात बताना कि बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट प्रॉफिट मैच जो है हो रहा है. अब बैंक ने हमें क्या बोला कि आपने कुछ फिक्टिशियस एसेट्स रिकॉर्ड किए व्हिच यू मस्ट डू. ये एसेट्स आप मत रिकॉर्ड करके रखो, डोंट रिकॉर्ड दिस. आई वांट यू टू रिमूव द एसेट्स एंड आई वांट यू टू रिवैल्यू लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी. तो यार होता ये है कि मुझे 100 रुपए बैलेंस शीट एसेट साइड से निकालना है. इफ आई रिमूव 100 रुपए फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, व्हाट आई हैव टू डू, I have to remove 100 rupees from balance sheet liability side. आपको समझ में आ रहा है? So what do we do? We will go to debenture holder, we will go to bank. और हम bank को क्या बोलेंगे? जिस bank से हमने loan लिया है कि अरे यार आपको 100 rupees loan repay करना है. जरा loan को write off करके 60 rupees का तो ना. Bank बोलता है कि मैं तो पागल हो गया. हमने बोला एक मिनट भैया, तो आओ तो वो bank करो. Bank करो तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो जो मिल रहा है वो समझ के लो और adjust कर दो. आपको समझ में आ रहा है? ऐसा हम धमकी देते हैं. तो बैंक बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं, अब पैसा रखो, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे हम. फिर डिवेंचर होल्डर के पास जाते हैं कि यार 30 रुपए का क्लेम है आपको, उसको 20 रुपए कर दो. फिर ओनर के पास जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर, उनको बोलेंगे आपका क्लेम 80 कर दो.
आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो आप करते हो, ये जो liabilities को आप reduce करते हो, this is sacrificed by the investors in your company. उन्होंने कितना invest किया था? 100 रुपए invest किया था, ये सपने देखे थे कि 100 रुपए 200 रुपए हो जाए, बट आपने इतना घाटे का बिजनेस किया कि उनका 100 रुपए 80 रुपए हो गए. सही बात है कि नहीं? तो ऐसा आप सबको रिक्वेस्ट करके, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बैंक को रिक्वेस्ट करके अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हटाते हो. जब लायबिलिटी हटाते हो तो आपका फायदा होता है. बोलो क्या होता है? फायदा होता है, आपका मुनाफा, प्रॉफिट होता है. इस अकाउंट को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन. इट इज अ प्रॉफिट, इट इज कैपिटल प्रॉफिट. इज दिस ओके एवरीवन? बोलो क्या किया मैंने? जिसने 100 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको बोला सैक्रिफाइस योर क्लेम फॉर 20. सही बात है कि नहीं? इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया उसको बोला सैक्रिफाइस योर क्लेम फॉर 40. तो अपना क्लेम सैक्रिफाइस कर देंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कम हो जाएगी और वैसे एसेट्स को भी कम कर देंगे तो बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी. आपको समझ में आ रहा है? द बैलेंस शीट विल ओनली रिफ्लेक्ट गुड एसेट्स. दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, आपको ओवरऑल कांसेप्ट समझ में आया? सो टेल मी व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. Internal reconstruction is nothing but cleaning up of balance sheet by removal of overvalued and fictitious assets. उसको remove करना, balance sheet को clean करना. When assets are removed, corresponding liabilities are also adjusted. Into bracket, usually shareholders and lenders forego part of their claims. अगर यार उन्होंने claims को forego नहीं किया और company को एक नया ray of hope नहीं दी तो कंपनी सिक कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है. आपको समझ में आ रहा है भैया? तो क्या करते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, सीएसीएस होते हैं, ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्क्रीन जॉटर पढ़ रहे हैं. उसको जॉट डाउन करते हैं एंड देन यू हैव टू गेट इट अप्रूव बाय द कोर्ट. कोर्ट से उसको अप्रूव करा के लेना पड़ता है, फिर कोर्ट उसको अप्रूव कर देता है. दिस इज ओके एवरीवन? तो उसकी हमें जर्नलिटीज पास करनी है. प्लीज नोट डाउन व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. फटाफट लिखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे क्वेश्चन. सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द फिगर्स सेम जनरली. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आयरन ग्रुप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 और एमएमआर टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट दी है. आपको याद है ना कि कंपनी अकाउंट्स कैसे लिखते हैं हम? इन शेड्यूल 3 फॉर्मेट, राइट? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर होल्डर्स फंड, राइट? बट यहाँ पर उन्होंने नॉर्मल टी फॉर्मेट में दिए. बीकॉम की खासियत है नेक्स्ट ईयर व्हेन सिलेबस चेंजेस होपफुली विल चेंज द बैलेंस शीट फॉर्मेट आल्सो. नाउ टेल मी, क्या दिया उन्होंने? शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दिए 100 के, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 270,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब शेयर प्रीमियम एंड सैलरी क्रेडिट्स दिए. ओके, और एसेट साइड पे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, बैड डेट, प्रीलिम एक्सपेंसेस, पीएनएल, राइट? और टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन पे रूल याद रखना. इवन विदाउट इट बीइंग मेंशन्ड इन द क्वेश्चन always cancel fictitious asset. Always cancel fictitious assets. Example. P&L debit balance, comma, preliminary expenses. ये देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ. Preliminary expenses, P&L debit balance, preliminary expenses, comma, etc. Now students, होता क्या है? कि हमारी बैलेंस शीट एक नंबर की घटिया है और हमारी कंपनी डूबने वाली है. टिपिकली वो केस में आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी जिसमें गुडविल दिखा है, गुडविल 3 लाख.
ये भी हो सकता है कि इसका वैल्यूएशन 3 लाख का हो, वो क्वेश्चन में दिया होगा। इफ दे से दैट गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, तो बोलो गुडविल की वैल्यू से कितना रिमूव कर देंगे 2 लाख। आपको समझ में आ रहा है, रिलेटेड भी गिवन द क्वेश्चन, बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ये गलत है ना, यू कैन नॉट राइट हियर। सी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो आप कंपनी क्रिएट करते हो तो वो खर्चा बनकर करते हो, तो लोग उसको क्या करते थे, कैपिटलाइज, मतलब दे रिकॉर्ड एज एसेट बट इट इज नॉट अलाउड, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस यू शुड राइट हियर, यू शुड राइट लेस रिजर्व्स, लेस रिजर्व्स में उसको माइनस कर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी मस्ट रिमूव दिस 10 लाख रुपी, वो 10 लाख रुपी रिमूव करने के लिए इनकी क्लेम्स लेकर कम करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है अभी ना? हां, गुडविल पेटेंट यू विल सबट्रैक्ट ओनली इफ गिवन द क्वेश्चन। अब अपने मन से अज्यूम कर लोगे क्या गुडविल पेटेंट इज वर्थ दिस? नो। आपको समझ में आया? सो बोलो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में कौन से एसेट्स खुद से होके रिमूव कर देने, फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब पी एंड एल डेबिट बैलेंस, pre-incorporation expense, preliminary expense, deferred revenue, advertisement expense, मतलब advertisement record as asset, because it is a huge expense, ऐसा कुछ company करती है, color accounting treatment है। चलो, अब question पढ़ेंगे, देखेंगे question में क्या दिया हुआ है, question में दिया हुआ है, देखा बहुत देरी, ये तो होना ही था, preferential कितने का है, अभी हम 100 रुपी का है, 100 per share, है ना, और अभी हम क्या करेंगे, preferential को बोलेंगे, listen, आपके जो 100 के share है ना, उसको 80 का बना रहे हैं, preferential को बोला, अरे, इसे कैसे, तो आपने बोला हुए चाहिए कि नहीं, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, धंधा बंद हो रहा है, डूब रहे हैं हम लोग, एक लास्ट ट्राई करेंगे ठीक से बिजनेस रिवाइव करने का, बैंक से बहुत सारा उधार लेंगे, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेंगे, करना है कि नहीं आपको? हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है, 80 कर दो 80 कर दो, कुछ तो मिलेगा, तो वो लोग बेचारे खा खा के डर के आपको हाँ बोल देंगे, 80 रुपी कर देंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर भी असूल कितने के, 10 रुपी के, और हम कितने के कर देंगे उसको, 5 रुपीज, तो इक्विटी शेयर को भी कम कर देंगे। राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट, हो ऑल इंटेंजिबल एसेट में क्या आ गया, गुडविल आ गया, तो गुडविल आपको पूरा हटा देगा, मतलब कि 3 लाख गुडविल इज वर्थलेस। कभी तो आपने कोई तो कंपनी अपने तो ब्रांड को खरीद लिया था, तो गुडविल रिकॉर्ड कर दिया 3 लाख, बट आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे आप बिजनेस नहीं कर पा रहे। एंड ऑल्सो राइट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट विच इज एक्चुअली राइट बैक, उन्होंने लिखा राइट ऑफ, बट याद रखना जब भी आप प्रॉफिट्स को रिमूव करते हो तो उसको बोलते हैं राइट बैक, लाइब्रेरी को रिमूव करते हो। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी विल बी रिटन डाउन टू 18,50,000, जरा देखते हैं फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, ओ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू था 23,75,000, बट आपने बहुत हाई वैल्यूएशन करके रखा है, आज इसका मार्केट प्राइस 18,50,000, उसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमें बैलेंस शीट को क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद ही ये बैलेंस शीट अट्रैक्टिव दिखेगी नए इन्वेस्टर्स और बैंक्स, तो कोई आपको पैसे ही नहीं देगा, फंड ही नहीं देगा। ओके, तो नीचे हमने दिया हुआ है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, आल्सो प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओगे ना आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, इस बैलेंस शीट के ऊपर आपको लिखना पड़ता है कंपनी का नाम एंड रिड्यूस्ड, तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आता है कि यार हम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ, दिस इज ओके एवरीवन, एंड रिड्यूस्ड लिखना पड़ता है। चलो, let us start with the question. तो मैं आपको अभी entries बता रहा हूँ, not your students. Knowing equity shares journal entry is a prerequisite job. आप लोग सबको अच्छे से आती है, मैंने आपको already सिखाया हुआ है. Plus आप video भी एक बार revise कर सकते हैं, वो app में भी है, साथ में YouTube में भी है. So tell me shares की क्या journal entry होती है? Bank account debit to shares. ये सब मैं भी बोलता हूँ. Bank account debit to equity share capital, bank account debit to preference share capital. उसमें वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ होता है, बट एवरीवन याद रखना कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, वेरी गुड, सो ये मैं बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट दे देंगे। बोलो कितने से डेबिट दे दूंगा मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को? 100। ये देखो, मैं आपको जरा एंट्री लिख के देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, व्हाट आई डू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितने का दिया है, 100, तो आई विल राइट जर्नल एंट्री लाइक दिस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है, जो बीकॉम से पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट मिनट पेपर दे देते हैं, उनको लगता है कि यार 100 का शेयर 80 का कर रहे हैं तो 20 कैंसिल करना है। नो 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 नो, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट इज टोन ऑफ, उसको फाड़ना है तो पूरा 100 रुपी कैंसिल करना है। यू रिमेंबर माई रूल्स,
always record equity share capital, preference share capital at face value. Cancel at face value. Exactly. So we are cancelling the share, yeah. तो समझ में आया पूरा 100 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट लेकर उसको फाड़ो पे दिस इज ओके सो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट राइट 100 टू न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल बोलो कितने का नया प्रेफरेंशियल कैपिटल है 80 आपको गेम समझा और बोलो कितने का हमारा फायदा होगा 20 का होगा कि नहीं तो इसको मैं बोलूंगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कौन सा अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 20 प्रॉफिट्स क्रेडिट प्रॉफिट्स क्रेडिट तो मैं यहां पे प्रॉफिट को क्रेडिट करूंगा आप लोग को जर्नल एंट्री ऐसे समझ में आ गया तो याद रखना कि यू हैव टू कैंसिल द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर देन यू हैव टू क्रिएट न्यू शेयर तो न्यू शेयर कितने का 80 का सो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन एंड नो एप्लीकेशन नो नथिंग डायरेक्ट एंट्रीज दिस इज फाइन सो टेल मी पहली एंट्री क्या हो गई मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू reconstruction to preferential capital 80 now dear students let us check the question bolo preferential capital kitne ka hai 15000 sahi baat hai ki nahi everyone so 15000 into 100 and 15000 into 80 is my computation is this absolutely okay so 15000 ka share hai aur bolo meri generality kya ho gayi preferential capital account debit 100 into 15000 so value kya 15 lakh to new preference share 80 per share into 15,000 shares तो ये कितना हो गया 12 लाख Now dear students, generally आपको exam में ऐसे questions आएंगे कि जो existing preference share है वो कितने का है कितना dividend है उसका तो यहाँ पे dividend है 7% तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा 7% preference share क्या फिर नया preference share है 9% तो 2-9% preference share क्या आपको फर्क समझा गया preference share पागल थोड़ी ना है वो लोग थोड़ा sacrifice कर रहे हैं पर उसके बदले में कुछ gain भी तो करेंगे को हाई रेट ऑफ डिविडेंड आपको देना पड़ेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हो सकता है ठीक है अभी चलो मुझे बताना कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर क्यूम्युलेटिव डिविडेंड कितना है 7% तो बोलो पुराने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या बोलूंगा सेम 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिस इज ओके एवरीवन एंड नाउ लेट मी राइट द नरेशन बोलो क्या नरेशन है बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduced while court approved scheme of internal reconstruction number dash dated dash students this is the standard narration स्टैंडर्ड नरेशन आपको सारी जर्नल एंट्री में ये एक ही नरेशन आपको यूज करनी है बीइंग एसेट रिड्यूस्ड बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड बीइंग कैपिटल रिड्यूस्ड व्हाई मतलब कि एज पर फोर्थ अप्रूव्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर डैश डेटा डैश अब बोलोगे सर कहां लिखा है कोर्ट अप्रूव क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है देखो द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड ड्यूली सैंक्शन बाय हुम बाय द कोर्ट तो समझ में आ गया ना तो ये वर्डिंग स्लैश के बहुत जरूरी है और एक बार तो नरेशन आ गई तो फिर बार बार आपको ये सेम रिपीट करना है इज दिस एब्सोल्युटली ओके चलो अब इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बताओ नो स्टूडेंट्स टेल मी बताओ मेरे को कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लुक एट द स्क्रीन एवरीवन 10 रुपीस 10 इंच और हम नए इक्विटी शेयर कितने का बना रहे हैं 5 तो बोलो व्हाट इज माय एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 पुराना काटो नया बनाओ पुराना कितने का काटना है 10 का और नया कितने का बनाना है 5 का वेरी इजी तो यहां पे यार जो हम लोग ने इतना किया ना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जनरेट करो देखो कितना काम आया सो टेल मी व्हाट इज इक्विटी शेयर कैंसिलेशन एंट्री कैपिटल डेबिट सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोलो एक्जिस्टिंग शेयर कितने का है 10 इनटू 275000 तो ये हो गया 27,50,000 टू रिकंस्ट्रक्शन बोलो कितने का फायदा हो गया 5 इनटू 275000 व्हिच इज 30,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो नया शेयर कितने का 5 रुपए का इनटू 2 लाख रुपए का यू कैन नॉट पास एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल 5 टू रिकंस्ट्रक्शन 5 नो 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 ओल्ड शेयर्स आर कैंसिल्ड ओल्ड शेयर्स आर कैंसिल्ड न्यू शेयर्स आर इशू तब पे चीज समझ में आ रही कि नहीं पुराना शेयर कैपिटल कैंसिल करके नया शेयर कैपिटल बुक करना है और याद रखना कि जब आप लायबिलिटीज को कम करते हो तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट होता है
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट होता है और वही बैलेंस को देन यू यूज टू राइट ऑफ द एसेट्स. पहले क्रिएट करते हो रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन इज योर कैपिटल प्रॉफिट. बोलो क्या रिकंस्ट्रक्शन? इट इज कैपिटल प्रॉफिट. प्रॉफिट्स क्रेडिट. तो रिकंस्ट्रक्शन को हमेशा क्रेडिट आएगा व्हेन इट इज गेटिंग क्रिएटेड. दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द नरेशन. फटाफट बताओ यहां पे क्या नरेशन में डालूंगा. सेम नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल. अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, अब यहां लिख दूंगा बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड as per code of group scheme of internal reconstruction number dash dash dash. This is okay. और यहाँ पे हमने already amount लिख दी है bracket में. वापस से narration में लिखने की जरूरत नहीं. Alternatively you can write the amounts in the narration. Easy everyone, no problem at all. चलो फटाफट note down कर लो. Write down these two journal entries. Give the heading. In the books of I am Group Limited journal entries. In the books of I am Group Limited journal entries or ye entries what up for me. आगे जाएंगे एवरीवन. अब हमने सबसे पहले क्या किया कि कैपिटल रिडक्शन किया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने कम किया. जो ओल्ड शेयर्स थे उसको डेबिट किया, न्यू शेयर्स को क्रेडिट किया. इजी. अब एवरीवन हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे एंड लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग दे हैव गिवन इज राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट. देखो इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना ये हमारा गोल है रिकंस्ट्रक्शन का. ये लास्ट एंट्री करते हैं याद रखना. राइटिंग ऑफ ऑफ इंटेंजिबल्स एंड फिक्टिशियस एसेट इज द लास्ट एंट्री. दिस इज अवर गोल. दिस इज ओके. मैं ये देख रहा हूं कि शेयर प्रीमियम को राइट बैक किया है. तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? प्रॉफिट्स. उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. ये रहा ना ताला वाला अकाउंट होता है. यस ताला लगा दिया उसको वो वाला अकाउंट. एवरीवन सिक्योरिटी प्रीमियम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. तो मैं क्या करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा. इट इज ओके एवरीवन. सो लुक एट द जर्नल एंट्री. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम दिया. तो जो वर्ड्स हमने उसके वही यूज करेंगे. तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 4 लाख. स्टूडेंट्स हम रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस क्रिएट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे. आपको समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिट से बैलेंस क्रिएट हो रहा है. एंड क्या रिलेशन बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न बैक. WB मतलब W स्लैश ऑफ, OFF मतलब रिटर्न ऑफ और W स्लैश बैक मतलब रिटर्न बैक. व्हाई? कोड ऑफ प्रूफ स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर डैश डैश. नाउ टेल मी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने वैल्यूएशन की क्वेश्चन में? 23,75,000. ऐसा हो और आप उसको कम करके कितना कर रहे हो? 18,50,000. तो बोलो कितने से रिड्यूस हो गया? माइनस करके बताओ मेरे को. इज इट नॉट 5,25,000? एसेट्स डेबिट. एसेट्स डेबिट बट मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मैं उसको कम कर रहा हूं. सही बात है कि नहीं? सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रिकंस्ट्रक्शन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन. यहां पे कैसा वैल्यूएशन हो रहा है? डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन. यस और नो? 5,25,000 कैसे आया? 23,75,000 माइनस 18,50,000. दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. अब आप एक चीज देखो. एंट्री नंबर 1, 2, 3 में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम क्रिएटिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. ये देखो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट. बट यहां पे मैं रिकंस्ट्रक्शन को यूज कर रहा हूं तो मेरा रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा कम हो जाएगा. इज दिस एब्सोल्युटली ओके? दो एंट्री आपको आगे समझ में. चलो जॉट डाउन शेयर प्रीमियम मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न बैक एंट्री एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जर्नल. Now students, please remove your calculators and a quick important activity हमें करनी है. आपको याद रखना है कि जब सारे liabilities और सारे share capital sacrifice हो जाते हैं तो reconstruction balance create होता है. Let us see कितना reconstruction balance create हो रहा है. मैं highlight करके देता हूँ और आप तो क्या करोगे? मुझे total लेके बताओगे, ठीक है? Yes, indeed. स्टूडेंट्स ये देखो ये रहा रिकंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमने क्रेडिट किया. क्रेडिट मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन इज क्रिएटेड. बोलो पहले कितना क्रेडिट किया मैंने? 3 लाख. फिर कितना क्रेडिट किया? 30,75,000. करो ऐड. चलो कितना आ गया? बोलो 16,75,000 आया कि नहीं? यस. फिर मैंने वापस ऐड कर दिया 4 लाख. तो टोटल अभी कितना हो गया? 30,75,000 माइनस. अभी माइनस करना पड़ेगा 5,25,000. ये डेबिट हो रहा है ना?
चलो फायर पर क्या माइनस करो 15 नाउ स्टूडेंट्स ये जो आपके हाथ में फिगर है दिस इज गोल्डन फिगर प्लीज लिसन टू मी केयरफुली आपके हाथ में जो फिगर आ गया ना 15 लाख कितना आ रहा है 15 लाख 15 ओके तो ये गोल्डन फिगर आपको नोट डाउन करके लेना है ऐसा लिखना नहीं है ये हम क्लास में लिखेंगे एग्जाम में मत लिखना एग्जाम में मत लिखना मैं क्लास में लिख के बता रहा हूं स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि लायबिलिटी साइड को कम करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट करना कितने का क्रिएट किया आपने 15 लाख 15 नाउ 15 लाख 15 आप बंद करके आपको डेबिट करना पड़ेगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 15 लाख 15 आप बंद करके अब मैंने आपको रूल्स बताए थे बोलो क्या रूल्स बताए थे पेटेंट गुडविल इंटैंजिबल्स यदि क्वेश्चन में दिया है तो ही राइट ऑफ करना है बट पीएनएल डेबिट बैलेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस खुद से ओके रिमूव करो आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में दिया है ना कि गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ फिर एक इंटैंजिबल एसेट मस्ट बी रिटन ऑफ फिर एक क्वेश्चन में चार पॉइंट्स है राइट ऑफ और इंटैंजिबल एसेट नहीं ये गुडविल है 3 लाख और ये क्या है फिक्टिशियस एसेट्स 2 लाख 50 एंड 7 लाख चलो सो लेट अस सी कि हमारे पास कितना बैलेंस है हमारे पास है 15 लाख 50 तो मैं कर दूंगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 15 लाख 50 टू व्हाट टू preliminary expenses to what to P&L to what to goodwill और बाकी का क्या so students आपके calculator में 15 लाख 50 है आपके पास minus 13 lakhs 13 lakhs आपने use किया अरे students ये देखो ना 2 lakh 50 7 lakh 50 10 lakh और 3 lakh 13 lakh बोलो कितना बचा ना 2 lakh very good this is your profits आपने क्या गेम खेला आपने शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बैंक्स क्रेडिटर्स को क्या बोला वी आर अबाउट टू गो बैंकरप्ट कंपनी बंद होने वाली है जॉब नहीं होगी हमारी क्या कर रहे हो यार बताओगे थोड़ा करो ना सैक्रिफाइस तुमसे सैक्रिफाइस करवाया फिर पूरा पैसा आपने यूज ही नहीं किया तो कितना पैसा आपके पास बच गया बोलो 2,50,000 दिस इज प्रॉफिट्स व्हिच प्रॉफिट्स डू यू रिमेंबर दैट टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एक प्रॉफिट होता है खून पसीने की कमाई रेवेन्यू प्रॉफिट्स और एक प्रॉफिट होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स वेरी गुड तो कौन सा प्रॉफिट होगा ये कैपिटल प्रॉफिट तो किधर डालूंगा मैं इसको टू कैपिटल रिजर्व 2,50,000 लास्ट टाइम हमने कैपिटल रिजर्व पढ़ा था तो हमने पढ़ा था शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है न्यू टैक्स होता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व सही बात है कि नहीं होता तो कैपिटल रिजर्व में आपको उसको ट्रांसफर करना है एक्चुअली क्या होना चाहिए मालूम है अगर आपका रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है 13 लाख तो लास्ट एंट्री 13 लाख की ऑटोमेटिकली होके क्लोज हो जाएगा तभी तो कोर्ट अप्रूव करेगा अरे कोर्ट पर हिसाब किताब करके अप्रूव कर दे ना कि आप 100 रुपया शेयर होल्डर का सैक्रिफाइस करो तो 100 रुपए का एसेट राइट ऑफ करोगे कोर्ट ऐसे थोड़ा अप्रूव करता है बट बीकॉम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं रियल लाइफ में टैली होता है लास्ट एंट्री ऑटोमेटिकली टैली इन रियल लाइफ इज दिस ओके इफ यू सी सीएससीएस ओल्ड सिलेबस क्वेश्चंस सीएस में अभी तो है नहीं ओल्ड सिलेबस में इफ यू सी ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन इन द लास्ट जर्नल एंट्री इट ऑटोमेटिकली टैलीज दिस इज ओके एवरीवन चलो और अब मुझे बताओ क्या नरेशन यूज करूंगा मैं बहुत इजी नरेशन है ये देखो नरेशन इज बीइंग इंटेंजिबल्स कॉमा फिक्टिशियस assets written off while scheme of internal reconstruction open object numbered as it
Oh, are you yours? ठीक है, अब सही है आपका. एंड यस स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताना कि ये इसको मैंने येलो येलो क्यों किया, कैपिटल येलो येलो. ये येलो मींस स्टार फिगर. और ये समझ में? वेरी गुड. तुम चलो फटाफट बताओ, चलो कितने का हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट किया? 15 लाख 15. कितना यूज किया? 13 लाख. तो कितना स्टार फिगर बच गया? 2 लाख 50. को कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल. सो कैपिटल प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स वाकई नहीं, यस. खून पसीने का प्रॉफिट है ना? खून पसीने का प्रॉफिट मतलब कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स, मतलब पीएनएल चैनल्स में जाता है. सही बात है कि नहीं? अभी मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूं. ठीक है, नाउ बिफोर यू जॉट डाउन द लास्ट जर्नल एंट्री, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन ओवरव्यू कराता हूं बाय ऑफ लेजर. अब दूसरा एक तरीका है दैट यू कैन प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन लेजर. कभी-कभी क्वेश्चन में दिया भी होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट रिकंस्ट्रक्शन लेजर. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को बोला ना क्लेम सैक्रिफाइस करो. कितने का क्लेम सैक्रिफाइस किया होगा? 3 लाख. इक्विटी शेयरहोल्डर का 30 लाख 7 पर. शेयर प्रीमियम से कितना कीजा? 4 लाख. सही बात है. फिर आपने इसको यूटिलाइज किया एसेट्स को रिमूव करने के लिए. कैन यू सी द ब्यूटीफुल फ्लो? अब आपको समझ में आया रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? पहले लायबिलिटीज को कम करो, फिर एसेट्स को कम करो. एंड इट शुड मैच. इफ इट डज नॉट मैच द स्टार फिगर मस्ट गो टू कैपिटल. दिस इज ओके एवरीवन? इजी है कि नहीं? बोलो कितना सैक्रिफाइस करना है लायबिलिटी वालों का? 20,75,000. तो एसेट्स को कितना सैक्रिफाइस कराना चाहिए? 20,75,000. बट यदि आप एक टोटल ले लोगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएनएल गुडविल, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? इट इज शॉर्ट बाय 2,50,000. सो 2,50,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? और स्टूडेंट्स फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन. दिस इज फाइन. चलो फटाफट हम लोग लास्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे और रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बनाएंगे. इजी. और सर ये भी लिख लो एट दिस पॉइंट बैलेंसेस 50,50,000. एग्जाम में भी इतना ही. स्टूडेंट्स मेरे को बोलो, हम लोग ने क्या डिस्कस किया अभी? कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन द क्रेडिट साइड. और आपने देखा कि कैसे सिर्फ रेड रेड फिगर्स से क्रिएट हो जाता है. रेड फिगर्स मतलब कि क्या? सैक्रिफाइस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स. और इनका पैसा सैक्रिफाइस करके क्या करते हैं बोलो? भी राइट ऑफ द एसेट्स. वी राइट ऑफ द एसेट्स. सो दिस इज द सीक्वेंस, यू मस्ट रिमेंबर दिस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट थिंग मुझे बताना कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी अभी, जिसमें लाइबिलिटीज भी कम होगी और एसेट्स भी कम होगी, ये नई बैलेंस शीट का मैं क्या हेडिंग दूंगा? बैलेंस शीट ऑफ आई एम ग्रुप, जो भी कंपनी का नाम दिया है, एंड रिड्यूस्ड. तो याद आ रहा है ये बहुत जरूरी है. इसमें एक मार्क होता है सिर्फ ये लिखना एंड रिड्यूस. सो कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? आई एम ग्रुप लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड. अब ऐसा भी लिख सकते हैं एंड का सिंबल भी डाल सकते हैं यहाँ पे. ओके चलो अब एक एक करके देखेंगे कि कौन से एसेट्स हमें परफॉर्म करने. Not yet, student, see. सबसे पहले तो freehold property कितनी लिखूंगा? 23,75,000. No, 18,50,000. याद आ रहा है क्या? हमने कम कर दिया ना उसको. Number two, plant and machinery 8 lakh. Goodwill nothing. Goodwill हम नहीं लिखेंगे. Stock 3,50,000. Debtor 2,45,000. Related expenses नहीं लिखेंगे. Profit and loss नहीं लिखेंगे. Everyone correct me if I'm wrong. मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या लिखना है. बोलो क्या करना है आपको? जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये काट के बोलो कितना लिखेंगे? 18 लाख. गड़बड़ कर देता है, जस्ट यूज माय स्केच पैड. हाँ चलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ये काट के कितना लिखेंगे बोलो? 18 लाख. सही बात है कि नहीं? 18,50,000. चलो आगे मेरे को बताओ, क्या हम गुडविल लिखेंगे? नो, गुडविल काट दिया. क्या हम प्रीमियम एक्सपेंसेस लिखेंगे? नो. क्या हम पीएनएल लिखेंगे? नो. एवरीवन आर यू विद मी? No problem at all. Look at the screen. देखो मैंने यही किया था. मैंने freehold property लिख दी 18,50,000. Plant and machinery, stock, debtor, आपके intangible भी उड़ गए, fictitious asset भी उड़ गए. Balance sheet देखो कितनी clean है. Genuine assets are recorded. हाँ, definitely जो balance sheet का total था पहले 50 लाख था, अभी वो total हो गया 32. तो definitely कम हो गया. तभी तो है balance sheet and reduced. Balance sheet is reduced as compared to the original balance sheet. सही बात ही नहीं. चलो कैपिटल की तरफ देखेंगे अभी. अब मुझे बताना कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो कितने से कितने कर दिए आपने? देखो पहले थे 15 लाख, अभी कितने हो गए?
12 लाख सारा देखो ना, जनरेटरी देखो स्टूडेंट, जनरेटरी देखो। चलो इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 27 लाख 50। अभी नए इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 13 लाख 75 हजार कुछ ना, 13 लाख 75। सही बात है कि नहीं? हाँ, शेयर प्रीमियम तो पूरा कैंसिल कर दिया आपने और क्रेडिटर 4 लाख के 4 लाख है। एवरीवन आर यू विद मी? लेट अस फास्ट चेक कि हम लोग ने ऐसे लिखा है बैलेंस शीट में। ओह यस, प्रेफरेंस शेयर 12 लाख, इक्विटी शेयर्स 13 लाख 75, और हाँ प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ 80 ईच। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वही कॉपी पेस्ट कर दो, 100 रुपए को लिख दो 80, 10 रुपए को लिख दो 5, ऐसे सैचुरिटी। ओके, और कैपिटल रिजर्व आपको याद है कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया है 2,50,000 का, आपने क्रिएट किया ना। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना था, 15,50,000, यूज कितना किया 13 लाख, बचा कितना 2,50,000, और सन्डे क्रेडिटर वैसा का वैसा ही 4 लाख, एंड योर न्यू बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैलीज इवन दो एट अ रिड्यूस्ड अमाउंट। सही बात है कि नहीं? अभी पहले 50 लाख कुछ था, अभी हो गया 32 लाख। प्लीज जॉट डाउन एवरीवन, प्लीज जॉट डाउन द बैलेंस शीट, balance sheet of I am broke and reduced। So students, जैसे कि हम लोगों ने last time discuss किया था, reconstruction is nothing but आपकी balance sheet का cleanse कर रहे हो। balance sheet को cleanse करना मतलब कि जो assets का कुछ worth नहीं है, जैसे कि fictitious assets और intangible assets having no value, हम उसको write off करते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड को कम करना है तो यार लाइब्रेरी साइड को भी तो आपको कम करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि हम सारे लेंडर्स को और शेयर होल्डर्स को बोलते हैं अपना क्लेम कम करो। तो मान लो कि उनकी लाइब्रेरी कम हो गई 20% से, तो एक बार लाइब्रेरी कम हो गई 20% से तो पैसा कहां पार्क कर देंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एंड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूज करेंगे टू रिड्यूस द एसेट्स बाय सेम अमाउंट। व्हेन आई से रिड्यूस द एसेट आई मीन टू क्लेंस द बैलेंस शीट। यदि 5 एसेट्स है आपके पास और एक एसेट वर्थलेस है तो वर्थलेस एसेट्स को आपको रिमूव कर देना चाहिए, करेक्ट? एंड देन यू आर लेफ्ट विद द ट्रू वैल्यू, ट्रू मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एंड एक बार आपके पास क्लेंस बैलेंस शीट हो गई तो यू कैन अगेन गो टू इन्वेस्टर्स, यू कैन गो टू बैंक, एंड यू कैन ऑब्टेन मोर फंडिंग, करेक्ट एवरीवन? लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। So again, थोड़ा सा funny name मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, and this question is about unfortunate fool। और unfortunate fool के साथ एक unfortunate चीज हो गई है कि उनकी balance sheet सही नहीं है। Yes or no? Before reading the question only, let us have a look at the balance sheet, and I can clearly see here कि यहाँ पे उन्होंने कुछ fictitious asset record कर दिए। Students, can you see preliminary expenses? These are expenses recorded as assets. Can you see P&L account debit balance? Again, this is your loss recorded as asset. तो बिना क्वेश्चन पढ़े आपको याद है लास्ट टाइम मैंने टॉप मार्जिन पे लिखा के दिया था, यू मस्ट रिमूव फिक्टिशियस एसेट्स योरसेल्फ। तो इवन इफ क्वेश्चन में नहीं दिया होगा हम फिक्टिशियस एसेट्स को रिमूव कर देंगे। तो 2,75,000 को हम एलिमिनेट करने वाले, ऑलराइट? और देखते हैं क्या क्या दिया है। गुडविल दिख रहा है, पेटेंट दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि गुडविल और पेटेंट आर वर्थलेस, तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक का अपवर्ड डाउनवर्ड डिवैल्यूएशन हो सकता है, वो देखेंगे। मुझे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है 4,03,00,000 का, तो मे बी इनका क्लेम रिड्यूस होगा। आई कैन सी प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नॉट यस वन, प्लीज लिसन टू मी। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब कि इवन बिफोर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, कंपनी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करती है, और वो बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करने की वजह से कंपनी की कुछ प्रॉफिट्स आते हैं और कंपनी वो प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करती है। काम करना शुरू कर दिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है अभी का? This is capital profits. बोलो कौन सा अकाउंट है ये? Capital profits. Yes. So याद रखना, profit prior to incorporation is capital profits. अच्छा सुनो, एक बार ध्यान से सुनो।
डू यू रिमेम्बर कि लाइबिलिटीज को कम करके एक आप अकाउंट क्रिएट करते हो, बोलो कौन सा अकाउंट? रिकंस्ट्रक्शन, याद है आपको, ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल प्रॉफिट। कहने का ये मतलब है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में शॉर्टफॉल हो गया तो यू कैन यूज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल प्रॉफिट 10,000 एज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट? व्हेन लेंडर्स एंड ओनर्स सैक्रिफाइस देयर क्लेम, दैट बेनिफिट इज रिकॉर्डेड इन रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इफ दिस अकाउंट नीड्स बैलेंस यू कैन पुल 10,000 एंड ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। याद रखो, इज इट एब्सोल्युटली ओके? अभी हम लिखाते हैं कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल प्रॉफिट है। आगे क्या क्वेश्चन है? चलो डन है ना? अरे चिकेगी नहीं, आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्दर। 7% प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कन्वर्टेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस होल्डर को नया शेयर्स दोगे, पहले प्रेफरेंस शेयर पे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड था? 7%, नए पे कितना होगा? 9%। बट अब कुछ तो हमको चूर्ण लगाने वाले हैं, इस बार नो, एंड इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 30%। ओ सो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के, कितने का प्रेफरेंस शेयर देखते हैं हमें? ओ प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100 रुपए, तो अभी प्रेफरेंस शेयर को कितने का कर देंगे? 70 रुपए। 100 रुपए का कैंसिल करेंगे, 70 रुपए का इशू करेंगे। सही बात है कि नहीं? आगे इक्विटी शेयर्स विल बी रिड्यूस्ड टू फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 50 ईच। इक्विटी शेयर का 100 था, उसको 50 का कर देंगे। बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो 20% से आगे बढ़ा रहे हैं। डिबेंचर्स को भी रिड्यूस बाय 20%, अगेन उनको छूट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? जो छूट कि 100 रुपए डिबेंचर कैंसिल करेंगे और नेट डिबेंचर कितने का होगा? 80 रुपए। सारी विद मी, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग पेटेंट टू बी रिटन ऑफ, खत्म। तो यहां पे इंटेंजिबल एसेट होगा कि गुडविल और पेटेंट तो क्लियरली दे दिया, ये आपको हटा देना। बोलो क्या क्या हटा देंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हटा देंगे, पेटेंट अकाउंट हटा देंगे, और क्या क्या हटा देंगे बोलो? गुडविल हटा देंगे और पेटेंट हटा देंगे। स्टूडेंट्स डू मी अ फेवर, जरा इसका टोटल ले लो और मैं बताता हूं, कौन से कौन सा अकाउंट है, देखो मार्क करके दे रहा हूं, आप बताना इसका टोटल क्या है, कि कितना हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल ले लो आप, पेटेंट ले लो कैलकुलेटर पे, और आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पीएनएल अकाउंट कैपिटल बैलेंस पे। चलो बताओ मेरे को कितना आ रहा है टोटल? सही बात नहीं? तो इसका ये मतलब है कि हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस चाहिए? 3,85,000। अब ये चीज आप ध्यान में रखोगे, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। मार्किंग कर रहे हो कि नहीं? कैसा था ये देखो, क्वेश्चन रीड करते करते आपको ये एनालाइज करना है, तो मार्किंग की कि नहीं? कैसे ने चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 3,85,000 हमें चाहिए। क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन में मैंने ऐसा दिया हुआ है कि आप फिक्टिशियस एसेट्स इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कीजिए, यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी। आपके बोलने से पहले ही हमें पता था, सही बात है कि नहीं? क्योंकि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है कैपिटल प्रॉफिट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी कैपिटल प्रॉफिट हो गए। नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 9%। अरे हमको चूर्ण लगा प्रेफरेंस शेयर को, तभी तो वो रेडी हो गए ना। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का होगा? 70 × 3,000 × 3,000। सही बात है कि नहीं? तो 3,00,000 का कैपिटल कैंसिल किया, बट नया कैपिटल कितने का इशू किया? 2,10,000। तो कितने का फायदा हो गया? 90,000 टू रिकंस्ट्रक्शन। बोलो
या रिकंस्ट्रक्शन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल रिडक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा बेनिफिट अकाउंट होता है, बेनिफिट्स क्रेडिट। दिस इज ओके एवरीवन। बीइंग प्रेफरेंशियल कैपिटल रिड्यूस वाइड कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर डैश डेटा डैश। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको याद है इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का 50 रुपए कर रहे हो, तो बोलो कितने का कैपिटल कैंसिल करोगे, 100 रुपए कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 100 रुपए का कैपिटल कैंसिल किया इनटू 4000 शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू शेयर्स ऑफ 50, यस ऑर नो बेटा। सो 50 रुपए इनटू 4000, 4 लाख का कैपिटल कैंसिल किया बट नया कैपिटल बनाया 2 लाख का, कितना फायदा हो गया, 2 लाख। तो यहां पे आप लिख सकते हो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यू कैन आल्सो राइट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके एवरीवन, डन। और वो नरेशन क्या है, बी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस एज पर कोड अप्रूव्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर डैश डेटा डैश। चलो ये दो एंट्री करो, फिर हम डिबेंचर की एंट्री करेंगे। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को हमने बोला कि we are going to be bankrupt and we are going to shut down business और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये नीरव मोदी और विजय माल्या ने हमें सिखाया। डिवेंचर होल्डर ने बोला अरे यार क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमने बोला बिजनेस हो रहा ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट रिकॉर्ड करके रखे हमने। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो आप हमें 100 रुपया देने वाले हो ना, मत दो, 80 दे दो, ठीक है ना, 80 दे दो, डोंट वरी दैट टू यू आर गोइंग टू पे टुमारो, डोंट पे टुमारो, पे आफ्टर 10 इयर्स। In any case, 3 lakh debentures will now get converted into 2 lakh 40. Sahi baat hai ki nahi? 3 lakh minus 40%. So 10% kitna hoga? 30,000. 20% kitna hoga? 60,000. Are you with me? So 3 lakh debentures ko kitne ka kar denge hum log? 2 lakh 40. Thank you for saying that for me. Mere kaan phad gaya tha jo usne chilla ke bola. Aur jaise ki maine bataya, maine yahan pe assume kar diya ki ek debenture hai 100 ka into 3000 debentures, और नेट वेंचर कितना कर दिया हमने, 80 रुपए का। दिस इज ओके, तो हमारा और फायदा हो गया। बिकॉज़ अगर नरेशन बताएंगे बीइंग 6% डिबेंचर्स रिड्यूस व्हाइल कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नंबर डैश डेटेड डैश, यस जी, बीइंग 6% डिबेंचर्स रिड्यूस, दिस इज ओके, बिकम वेरी इजी। और हां उसके आगे डू यू रिमेंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मशीनरी सम एसेट, यू नो कहां पे गया, बिल्डिंग बाय 20% दिख रहा है आपको। तो चलो एक बार देखते हैं बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। ओ ओ बिल्डिंग का वैल्यू कितना है एवरीवन, 1,50,000। अब 1,50,000 का 10% कितना हो गया, 15,000, 20% हो गया 30,000, सही बात है कि नहीं। तो 30,000 से हम बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे। एसेट्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन, दिस इज फाइन। एंड जरा मुझे नरेशन बताएंगे, थैंक यू फॉर टेलिंग मी द नरेशन, बी अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग by 20%. Why court approved scheme of internal reconstruction number dash dated dash? This is absolutely okay everyone. चलो ये दो entries pass करो फटाफट। कर दी, हो गया। Now students, we are taking the total of reconstruction benefit. Yes or no? तो फटाफट मुझे बताना कि यहाँ पे कितना reconstruction को benefit हो गया है? Is it not 2,90,000? Yes or no? जरा नीचे देखेंगे कितना benefit हो गया, 60,000 and 30,000. Is it not 2,80,000? अरे yes or no? 2,80,000 हुआ कि नहीं? So everyone हम एक sentence लिखेंगे, क्या sentence लिखेंगे याद है आपको?
At this point, balance in reconstruction amount is so and so. Yaad aaya ki nahi? At this point, balance in reconstruction amount is 3 lakh 80. तो 3 लाख 80 का हमने रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट क्रिएट कर दिया है लेंडर्स को और ओनर्स को चूरन लगा के उनको बोला है कि आपको आपका पैसा मिलेगा नहीं कंप्लीट हो रही हो पत्थर के बीच में क्लेम सैक्रिफाइस कर दिया ठीक है अब आपको याद आ रहा है कि क्वेश्चन रीड करते टाइम भी कितने एसेट्स राइट ऑफ करने हमने उसके अमाउंट कंप्यूट किया था 3 लाख 80 सर अरे यस ऑन नो एवरीवन याद आ रहा है कि हमने इसका टोटल लिया था हां तो कितने फंड्स हमें चाहिए 3 लाख 80 सर बट हमने कितने फंड्स की तैयारी कर दी 3 लाख 80 डोंट यू एग्री दैट नाउ वी विल पुल 5000 फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स कितना पैसा चाहिए 3 लाख 80 सर कितने पैसे की तैयारी कर दी आपने 3 लाख 80 तो यहां से 5000 खींचोगे कि नहीं यस और नो सो बोलो अभी हम क्या करेंगे 5000 खींचेंगे लुक एट द स्क्रीन एवरीवन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट Reconstruction 5 lakh. Sorry, 5000. This is absolutely okay, everyone. After having passed this entry, we can go to the last entry. Reconstruction amount debit 3,85,000 to patent, to P&L, to preliminary expenses, to goodwill. Sahi baat hai ki nahi? Alternatively, you can pass this entry pehle. Then you will see ki reconstruction account mein shortfall hai 5000 ka and ye 5000 yahan se khinch gaya. Aapko samajh mein aaya? Tell me. Assets write off karne ke liye kitna paisa chahiye? चलो और इसके नरेशन आपको मैं लिख के दे रहा हूं फटाफट Being intangibles, fictitious assets, written off, wide scheme of internal reconstruction, number dash, dated dash. Or students, last entry kya hai bolo? Being capital profits utilized for Scheme of internal reconstruction. Okay. चलो ये तो entry देखो. Close करो question. ये तो entry से आप लिख दोगे तो बताओ मैंने चलो. Let us see how to prepare the reconstruction ledger. याद रखना कि lenders और owners sacrifice करते हैं। कौन sacrifice करता है बोलो? Lenders and owners. Debitor, creditor. तो मुझे बताना reconstruction amount कहाँ से create होता है अंदर credit side. तो मुझे बताओ सबसे पहले प्रेफरेंस होल्डर ने सैक्रिफाइस किया था जर्न एंट्री को देखो कितना सैक्रिफाइस किया 90000 उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस करवाया ना बाय हाउ मच 30% इक्विटी शेयर होल्डर ने पूरा हाफ इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस करा दिया 4 लाख का 2 लाख रिड्यूस करा दिया डिबेंचर होल्डर ने 20% रिड्यूस करवा दिया बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई और ईपीआर मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट से आपने 5000 खींच लिए याद आ रहा आपको तो बोलो कितने फंड्स आपने तैयार कर दिए 2,85,000 और फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और पीएनएल हमेशा ही राइट ऑफ करना है क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में दिया है कि पेटेंट गुडविल भी राइट ऑफ करो तो मैंने राइट ऑफ कर दिया एंड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टैली सही बात है कि नहीं अभी तो ये था आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड लेट अस टॉक अबाउट द बैलेंस शीट नाउ मुझे एक बात बताना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनाते हैं बैलेंस शीट के आगे क्या लिखते हैं एंड रिड्यूस्ड मतलब बैलेंस शीट के ऊपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुई हुई है ये ऑप्शन बैलेंस शीट नहीं है दिस इज ओके एवरीवन मुझे एक बात बताना कि क्वेश्चन बिल्डिंग के लिए है बनाया थी बट बिल्डिंग का वैल्यूएशन हमने इंक्रीज कर दिया 20% से तो ये कितनी होगी 1,80,000 सही बात है कि प्लांट एंड मशीनरी सेम वैल्यू स्टॉक सेम वैल्यू कैश सेम वैल्यू डेटर सेम वैल्यू गुडविल पेटेंट पीएनएल डेबिट बैलेंस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिमूव्ड तो
में लिखेंगे. इस इज ओके एवरीवन. और बैलेंस शीट टोटल कितना आ गया, 1 लाख 55. और ये साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कितना था, 3 लाख, उसको कर दिया 2 लाख 10. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 4 लाख, उसको कर दिया 2 लाख. डिबेंचर्स कितने थे एवरीवन, 6 लाख, उसको कर दिया 2 लाख 40. कैपिटल रिजर्व मतलब कि पीपीआई था 10000, उसमें 5000 यूज करके 5000 बचा. और सेंटिंग रेटर 2 लाख के 2 लाख बचे. और अगर आप इसका टोटल ले लोगे तो यू विल अप्रिशिएट द टोटल इज 8 लाख 55. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? द क्वेश्चन इज हेंस सॉल्वड. चलो नोट ऑन करो कि डिबेंचर्स को थोड़ा ठीक से ओपन अप कर दिया गया. देखो लुक एट दिस, यहां पे मैंने सब डिटेल्स लिख दिए. कितने प्रेफरेंस शेयर है और फेस वैल्यू कितना है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, डिबेंचर का कितना है. सो ओके इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फुल मार्क्स चाहिए मुझे एग्जाम में 100 ऑफ 100. बड़ी बड़ी फोटो आपकी लगनी चाहिए समझेगा.